Okay, so write down a question. Draw a diverging lens. Hurry up, write down. Draw a diverging lens. Draw a diverging lens. Mention two uses. Mention its two uses. Draw a diverging lens. Mention its two uses. And predict the nature of image with the help of a ray diagram. Predict the nature of image formed with the help of a ray diagram. Okay, right? So yes, किसने बनाया डायग्राम दिखाइए. किस किसने बना लिया रेज हैंड? अपने आप बनाना जब भी. क्वेश्चन तो सिंपल ही था. डाइवर्जिंग लेंस का नेचर प्रिडिक्ट करिए विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम. बस. हाँ जी प्रभदीप, लेंस बना नहीं अभी तक. मन्नत, शो योर कॉपी, दिखाओ प्रबल. अच्छा लेंस तो दिखाओ. हाँ, कंकेव लेंस. कंकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. हर सिम ये आप दिखाओ जरा हर सिम कॉपी अपनी. अब तो देख लिया सबने. ये देखो, आपने पहले कन्वेक्स बनाया था. सो दिस इज अ कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस. एंड कैन यू मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन? कहाँ पे यूज होता है डाइवर्जिंग लेंस? कौन बता सकता है इसकी एप्लीकेशन? बताओ. हाँ, एक तो स्पेक्स में हो गया. टू रिमूव the defect of vision. ठीक है, concave lens is used to remove myopia. Myopia defect of vision remove करने के लिए एक तो concave lens use होता है. Second use, anyone? बताया हुआ है मैंने क्लास में. बताओ. टेलीस्कोप में ये भी एक टेलीस्कोप में यूज होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप. बट इट इज वेरी रेयरली यूज बिकॉज इट सफर्स फ्रॉम लॉस इन ब्राइटनेस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कंकेव. तो ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये वाली टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप. बट बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्जिंग नेचर. पर ये एक टेलीस्कोप तो है. दूसरी कौन सी टेलीस्कोप्स हैं जो बहुत फेमस हैं? वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ज्यादातर वही यूज होते हैं. ठीक है, ये जो जिसमें कंकेव लेंस यूज होता है वो है गैलीलियन टेलीस्कोप, और उसको फिर इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता. बट दीज आर टू यूजेस ऑफ कंकेव लेंस. ठीक है, चलो अब इसका रे डायग्राम कौन बनाएगा आगे बोर्ड पर? यस, रेज हैंड, हु कैन ड्रॉ द रे डायग्राम? गर्व, आप आओगे? प्रभदीप, आने चाहिए ना इस मोमेंट पे. देखिए, तो ऑब्जेक्ट एक तो आप दोनों साइड्स पे फोकस ड्रॉ करते हो. डबल द फोकल लेंथ, 2f भी ड्रॉ करते हैं केस ऑफ लेंथ. और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स नहीं है. ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स वाला केस याद है आपको, वो हम बना सकते हैं. सो वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आप सेंटर से इसको बेंड करते हैं तो वो इस तरह से जाएगी, ऐसे लगेगा फोकस में से आज. ठीक है, और दूसरी ओ में से निकालो. दूसरी आपने लेंथ में तो और भी इजी होता है, हमने ओ में से ही निकालनी होती है सीधी, और वापस नहीं आएगी, आगे ही चली जाएगी. पहली रे को ये पहली कट कर चुकी है, ऑलरेडी कट कर चुकी है. फर्स्ट रे को ऑलरेडी कट कर चुकी है. सो हेयर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म. वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म. मतलब ये केसेस तो टिप्स पे होने चाहिए फटाफट, कि जैसे ही नाम बोला साथ में लेंस भी बन गया और साथ में उसका केस भी बन गया. ठीक है, पहले तो इन चीजों की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने f इक्वल टू r बाय 2 डिराइव करवाया था. चलिए करिए अपनी कॉपी में. डिराइव f इक्वल टू r बाय 2 फॉर अ कनकेव मिरर. हमने क्लास में कॉन्वेक्स के लिए डिस्कस किया था, आज आप करोगे कॉन्केव मिरर के लिए. Prove f is equal to r by 2 for a concave mirror. पहले ray diagram बनाइए. I am coming to check.
ऑल ऑफ यू ड्रॉ रे डायग्राम इन योर कॉपी फॉर कंकेव मिरर, आई एम कमिंग टू चेक, जो इस केस में एप्लीकेबल है. चलिए जल्दी से बनाइए. एंड स्टूडेंट्स, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर बीइंग एब्सेंट इन द टेस्ट. ये जो साइंस का भी टेस्ट हुआ उसमें भी कितने बच्चे हैं जो एब्सेंट हैं, ना ऑफलाइन आए ना ऑनलाइन आए. सो दिस टाइम समथिंग विल बी डन फॉर दोज स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स विल बी कॉल्ड एंड यू नो नाउ ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड, है ना. तो फिर तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. So concave mirror और focus center of gravity. इसमें हम ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं बनाते, हम एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वी टेक अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द पासेस टू फोकस. ठीक है. अब ये जो नॉर्मल है वो सी में से पास करती है, हम डॉटेड नॉर्मल बनाते हैं जो सी में से पास करती है. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, हम इनको सीधा सीधा याद आया. अब आप f इक्वल टू r / d, चलो इसको डिराइव करो. डिराइव करो हाँ. अब ये एंगल ये कितना है, ये कितना है और ये है. तो ए अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए एम. तो ए एम इज द परपेंडिकुलर हियर. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ एम व्हाट इज टैन टू थीटा परपेंडिकुलर ए एम ओवर बेस एम एफ. फॉर स्मॉल एंगल टैन टू थीटा कैन ओनली बी रिटन एज टू थीटा. For small angles, we can write tan 2 theta as only 2 theta. Okay. Now in triangle ACM, what is tan theta AM over MC? Again, for small angles, we can take tan theta as only theta. This is equation number 2. Put 2 in 1. Put theta in place of this here. So 2 into AM over MC is AM over MF. AM gets cancelled. 2 over MC is 1 over MF. All the distances are measured from the pole. So pole is very close to point M. So replacing T by M. क्या टाइम है स्कूल आने का, वो क्यों खड़ा किया. तो रिप्लेस एम बाय पी एंड पुट द वैल्यूज. नाउ पीएफ क्या है, फोकल लेंथ, और सिंस दिस इज टू द लेफ्ट ऑफ पोल इट इज माइनस एफ. So put PF equal to minus F, and same way what is CC, radius of curvature, again it is to the left, so we will put it minus R. So putting within sign convention, with the sign when we put, we get F is equal to R by 2. So we get F is equal to R by 2 from here. Clear hai ye derivation? Ye last time humne convex mirror ke liye ki thi. आज ये कंकेव मिरर के लिए कौन सा, ये वाला, इसमें पुट किया दो. हाँ ये देखो ना, पी सी क्या है, सारे डिस्टेंस मिरर में पहले तो पोल से मेजर होते. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये तो हमने पहले टर्मिनोलॉजी की हुई है ना. तो साइन कन्वेंशन ये है, दोस डिस्टेंसेस आर टेकन टू बी नेगेटिव दैट आर टू द लेफ्ट ऑफ पोल and those distances are taken to be positive that are to the right of pole. अब ये जो C point है हमारे left की तरफ है, तो हम इसको put करेंगे minus R. Same way इसका focus भी pole के left पे है, तो उसकी जो उसका distance है pole का focus से focal length वो भी negative. So हमने PF को put किया minus F.
माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ वो हमने अप्रोक्सीमेशन ली है कि ये जो एम पॉइंट है ऑलमोस्ट इसके पास ही है, ठीक है, तो हम उसको इसके इक्वल इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि सारे डिस्टेंस हमारे पोल से ही मेजर होने वाले, तो पोल की टर्म्स में हमने उसको पुट कर दिया तो आगे हमारे डिस्टेंस हम पुट कर सके, नहीं तो हम वहाँ क्या पुट करते, एम सी एम एफ तो इन इटसेल्फ कुछ है ही नहीं, हमारे डिस्टेंस पोल से मेजर होने चाहिए, ठीक है, हमारे डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर हो, क्लियर, इधर सबको क्लियर है। सो आई रिपीट, ऑन थर्सडे यू आर हैविंग योर फर्स्ट रिवीजन टेस्ट और टोटल ऑफ 20 मार्क्स, तो उसमें फिजिक्स 7 मार्क्स की होगी, बायो 7 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री 6 मार्क्स की होगी, ठीक है टोटल, तो वो 12 से लेके 12:40 तक टेस्ट होगा, आपको पता ही आज से है ना, तो यहाँ पे जो ऑफलाइन है वो उसी टाइम पे यहीं पे टेस्ट देंगे, ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट देंगे, और उतना ही टाइम है दोनों, सेम टाइम मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है किसी को, ठीक है, तो पूरा उसमें आपने 20 मार्क्स का टेस्ट अटेम्प्ट करना है 12 to 12:40 के बीच, राइट। चलिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेनबो नाउ, ऑल ऑफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेनबो, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हु विल टेल मी। देखो मेन जो है डिस्पर्जन भी तो है, कलर्स के पीछे डिस्पर्जन भी है, चलो कौन एक्सप्लेन करेगा। सो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, अकेला नहीं कह सकते हम कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल करते हो सबसे पहले आपको डायमंड वाला याद आता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, फिर आप ऑप्टिकल फाइबर दे वर्क सो एफिशिएंटली, और फिर मिराज की बात करते हो, सबसे ज्यादा पहले आपको याद आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स में ये, राइट, आपको ये हम उसमें रेनबो उसका एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, रेनबो हम इसका एग्जाम्पल नहीं लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो कंबाइंड आप कह सकते हो जो प्रोसेसेस हैं बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दीज आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, काव्या काव्या डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो, अभी तो सब बोल भी दिया सबने, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट और सनलाइट इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये बताना जरूरी है कब कब ऐसे होता है, सिर्फ ये लिखना, अब आप बड़े हो गए हो, ये नहीं लिखोगे आप 7th के बच्चों की तरह कि डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, कब होगा ऐसे, जब हम लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास करेंगे तब ऐसे होता है, अभी आपको कलर नहीं ना दिख रहे, अभी तो डिस्पर्जन नहीं ना हो रहा, तो ये चीज है। हाँ मैंने आपको रीजन पिछली बार भी बताया था, स्लैब में ऐसा नहीं होगा, अगर हम एक ग्लास स्लैब को धूप में देखें ना तो आपको 7 कलर नहीं दिखेंगे, पर अगर आप एक प्रिज्म को धूप में रख के देखोगे तो आपको डेफिनेटली 7 कलर्स दिखेंगे। हाँ उसका रीजन बताओ क्या, हाँ क्योंकि एक ग्लास स्लैब दो प्रिज्म कैप्टन ऑपोजिट मैनर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से एक स्प्लिट करता है दूसरा फिर से कंबाइन कर देता है, जो प्लास्टिक वगैरह से आपको कभी ग्लास के कंटेनर में वाटर डाला हो तो आपको पता है जब हम वाटर को एक ग्लास कंटेनर में या प्लास्टिक कंटेनर में डाल के धूप में रखते हैं इट एक्ट्स लाइक वाटर लेंस, वो भी एक वाटर लेंस की तरह, और जो रेनबो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेचर में आपका डिस्पर्जन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर है दे एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म, हमने बोला है ना कि वहां पे वो प्रिज्म की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल प्रिज्म जैसी हो जाती है वहां, तो एक प्रिज्म कर सकता है इसको स्प्लिट, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिज्म कर सकता है, इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
लेटरल इन्वर्जन, कौन बताएगा लेटरल इन्वर्जन? उसमें भी आप एक मिस्टेक करते हो। अब आपको बेसिक क्लियर करने की जरूरत है, आप जो मिस्टेक छोटी छोटी करते हो उसको क्लियर करना। चलो बताओ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, वेरी सिंपल, कौन बताएगा क्या होता है? हरसिमरन आप बताओ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, सुना है कभी? नहीं सुना, कभी सुना तक नहीं, आप लोगों ने सुना हुआ है? हाँ दीपक तुम बताओ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। हाँ देखो ये तो सेवेंथ के बच्चों को भी पता है, और आपको मैंने एम्बुलेंस वर्ड लिख के दिखाया था उसकी लेटरल इन्वर्जन, उसकी मिरर इमेज दिखाई थी वो लेटरल इन्वर्जन कि हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा, पर कब? इतना ही रख के छोड़ दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। आपको इस बोर्ड की लेफ्ट राइट थोड़ी दिख रही है, राइट और लेफ्ट राइट थोड़ी दिख रही है, राइट लेफ्ट नहीं दिख रही। कब ऐसे होगा? When it will be kept in front of a plain mirror. तो अब आपने सेवेंथ में बच्चा इतना लिख देना तो चलता है, टेंथ में ये लिखना वो ब्लंडर हो। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेफ्ट साइड तो राइट नहीं दिख रही, तो हम लिख रहे हैं कि इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप बताओ कि when it is kept in front of a plain mirror, then it happens. तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। What is the SI unit of power of lens? डायोप्टर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायोप्टर? डेफिनेशन डायोप्टर की क्या है, आती है किसी को? आती है? देखो फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो वन डायोप्टर किसको बोलेंगे जब फोकल लेंथ 1 मीटर की है? सो वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 meter, बस इसकी स्टेटमेंट बनानी है आपको, ठीक है? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 meter, गॉट इट? स्टेटमेंट फ्रेम करनी है बस, उसका यूनिट डिफाइन हो जाएगा। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए, राइट डाउन पावर से। टू लेंसेज ए एंड बी, टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर, माइनस कर लो 10 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली मीन्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब कि एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखे गए, ठीक है? इसको कोएक्सियली भी बोल सकते हैं, उनकी एक्सिस सेम, ठीक है? कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो बताइए, प्लस फाइव। तो जो कॉम्बिनेशन है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? हाँ कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स का टाइप हो गया वो, ठीक है? तो सबसे पहले P1 क्या है? 100/F1, क्योंकि हम सेंटीमीटर में उसको यूज कर रहे हैं, 100/10, ये हो गई +10 डायोप्टर पहले की, इसका मतलब फर्स्ट लेंस कौन से नेचर का है? कन्वर्जिंग, कन्वेक्स। सेकेंड की 100/F2, 100/-20, ठीक है, 100/-20, तो ये होगी -5 डॉट। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज विद साइन लेना है, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइन के साथ लेना है। एक एग्जांपल ये भी है, आपको ये कह दिया जाए कि एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कनकेव की 20 सेंटीमीटर है, उनकी पावर निकाल। अब कनकेव में आपने फिर खुद नेगेटिव लगाना है, यहाँ तो दिया हुआ है ना, कनकेव लेंस सुनते ही आपने इसको खुद नेगेटिव लगाना, नहीं तो गलत हो जाए, ठीक है? तो ये आ गया आपका +5 डायोप्टर। एक चीज ये कहाँ पे, यहाँ आ रही, अब थोड़ी कुछ लगाना है, बस खत्म। ये तो रिजल्टिंग हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो इस टाइप का होगा, ठीक है? रिजल्टिंग इस टाइप का होगा हमें। व्हाट इज पावर ऑफ ह्यूमन आई,
हाउ मच इज पावर ऑफ ह्यूमन आई? प्लस 4 डायोप्टर। देखो प्लस इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारी आई में जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और ये भी पता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए टू लुक एट एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यूज करके जब आप पावर निकालोगे तो प्लस 4 डायोप्टर आ जाएगी। नियर पॉइंट जो है ह्यूमन आई का, एक नॉर्मल आई का, वो 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए फिर 4 डायोप्टर आ जाती है हमारी ह्यूमन आई की पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। एक न्यूमेरिकल, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस हैज मैग्निफिकेशन -1, हैज मैग्निफिकेशन -1। ठीक है, लेंस है कोई पर वो नहीं बताया कौन सा लेंस है, उसकी मैग्निफिकेशन -1 है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। आगे इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर towards the lens, where would the image be formed? Where would the image be formed? Image कहाँ पर बनेगी? V निकालना है आपको। चलो try करोगे ये थोड़ा सा question? M is equal to -1 का मतलब क्या? Nature क्या है image की? Real and inverted। इसका मतलब क्या ये concave lens हो सकता है कि convex हो सकता है? ये convex हो सकता है, concave तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें नेचर ऑफ लेंस पता चल गया कि लेंस कंकेव है, क्योंकि कंकेव लेंस कैन नेवर फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी मैग्निफिकेशन माइनस नहीं होती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, फोकल लेंथ का साइन का आइडिया देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन माइनस वन है, एक तो पता चल गया कि लेंस इज कंकेव लेंस। अब लेंस के लिए m होता है प्लस v बाई u, v हो गया माइनस u। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना दिया हुआ है? 60। एक इक्वेशन ये आपकी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना दिया हुआ है? u प्लस v, 60 दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाए कितना आ रहा है। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है आपने। हाँ जी, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर नाउ, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, तो यू कितना है यहाँ पे? हाँ, यू आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। तो फिर कौन से वाला केस होगा? ये बिटवीन एफ एंड ओ वाला केस हो जाएगा। बिटवीन एफ एंड ओ, इसका मतलब इमेज लास्ट केस वाला वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगी उस केस में। यहाँ पे फिर 60 को क्या किया? हाँ, वो ये तो वैसे ओरली क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन माइनस वन का मतलब है ये वो वाला केस है 2f वाला, कि ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो सीधे ही आप देखो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आपका 4f हो जाएगा, उसके 4f जो है वो 60 होगा। ये कैसे है? देखो कॉन्वेक्स में ये आपका o है, इधर f है, इधर 2f है। ठीक है, तो जब f पे ऑब्जेक्ट होती है इमेज 2f पे बनती है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 2f है, यहां से लेके यहां तक भी 2f है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना है? 4f हो गया, बस वो इतना ही बहुत है।
4F is equal to 60, तो focal length है 15 सेंटीमीटर, और कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर है आपका। चलो अब एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज कवर करें। Why do the stars twinkle at night, appear to twinkle? चलो ये वाले क्वेश्चन हमें रिवाइज किया, बहुत देर होगी। पहले पहली लाइन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके भी हमें। हाँ, स्टार्स दे अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्टार अपीयर्स टू बी एट अ डिफरेंट पोजीशन, बिकॉज व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार ट्रेवल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो टू एनी पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, इट अपीयर्स एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम some higher position, some different position. That position of the star is called apparent position. मतलब real पे नहीं दिख रहा, हमें कहीं और दिख रहा है, पर वो position भी fix नहीं है, because of varying density of atmosphere, and density of atmosphere is continuously changing. So because of that, क्योंकि ये सारी game ही density की है, refraction तो density पे depend करती है medium। ठीक है, जितना डिफरेंस होगा, रेयरर है डेंसर है, आपको पता है कि मीडियम की डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमारी डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो अपेरेंट पोजीशन आल्सो गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो अपेरेंट पोजीशन जब कंटिन्यूअसली चेंज होगी, दैट गिव्स इट अ ट्विंकलिंग इफेक्ट, तो हमें ऐसे लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। तो व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल एट नाइट? हाँ, एक तो दे आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड दे आर क्लोज ऑल्सो एज कम्पेयर टू स्टार्स। तो उससे क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बड़े हैं तो क्या होता है, बिकॉज दे कैन बी थॉट ऑफ टू बी कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लंप्ड टुगेदर। कितने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट पे, एक जगह पे इकट्ठे हैं, हम सोच सकते हैं कि प्लैनेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब एक नंबर ऑफ ट्विंकलिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट टुगेदर, दे नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, दे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ईच अदर्स इंटेंसिटीज, सो दैट गिव्स नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो। सो प्लैनेट जस्ट सीम्स टू बी इल्यूमिनेटेड, नॉट ट्विंकलिंग। अगर आप, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दिवाली लाइट्स हैं, अगर आप उसका बंच होल्ड करो, ट्विंकलिंग है हर लाइट, अगर अकेली के लिए आप देखो और ट्विंकल कर रही है, अगर पूरा बंच पकड़ लो दूर से, आपको लगेगा कि बस कुछ लाइटेड सी चीज हाथ में पकड़ी हुई है, आपको वो ट्विंकलिंग, पूरी चीज ट्विंकलिंग नहीं लगेगी, वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड। ओके, और हमारे क्वेश्चन थे, व्हाई इज द डे लॉन्गर बाय 4 मिनट? देखो क्या होता है कि 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, जो सन बिलो होराइजन होता है, बट हम डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं कि जब वहां से लाइट अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, इट गोज ऑन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें लगता है जो अर्थ पे है उसको ऐसे लगता है कि सन होराइजन से ऊपर आ गया, तो वो विजिबल हो जाता है, सनराइज हुआ लगता है, बट एक्चुअली हुआ नहीं होता। ऐसी सेम सनसेट के टाइम पे भी 2 मिनट बाद तक वो विजिबल रहता है, होता है एक्चुअली होराइजन के नीचे है, पर हमें ऊपर दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 2 और 2 4 मिनट्स का एक्चुअल हमें डे 4 मिनट्स लॉन्गर लगता है। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द डे दैट वी ऑब्जर्व इज 24 hours 4 minutes, नॉट एग्जैक्टली 24 hours 2 4 मिनट का ज्यादा उसमें होता है। अच्छा, ये भी बता दो कि वाई सन एंड स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट? हाँ बताना दोबारा से। हाँ, जब सनसेट सनराइज टाइम होता है तो सन काफी दूर होता है, होराइजन के पास पहुंच जाता है, हम यही कहते हैं ना, हमें सन तब दिखता है जब होराइजन से ऊपर आता है। होराइजन इज द प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, लैंड एंड स्काई अपीयर टू मीट। ठीक है, तो वो जब बहुत दूर होता है उस टाइम पे, काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है,
तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स दे आर स्कैटर्ड ऑन द वे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. तो शॉर्ट वेवलेंथ कलर जो है विब गियो वो सारे स्कैटर हो चुके होते हैं. इतना लंबा रास्ता होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ, पहले शॉर्ट वेवलेंथ की टर्न आती है वॉयलेट की, फिर इंडिगो की आती है, फिर ब्लू की आती है, फिर येलो की आती है. ये सारे धीरे धीरे स्कैटर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो जब तक लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है उसमें वो कलर बचते हैं जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ के थे और जो सबसे कम स्कैटर हुए. वो कौन से हैं? एक रेड और एक ऑरेंज उसके साथ हो. तो ये रेडिश ऑरेंजिश या केला रेडिश हमें कई बार दिखाई देता है. कौन सा? नहीं वही है ना कि अकेला वॉयलेट नहीं, वॉयलेट इंडिगो और ब्लू भी साथ में स्कैटर हो जाते हैं ज्यादा. तो उन तीनों का मिक्सचर जो है वो एक अलग सा स्काई ब्लू कलर बन जाता है. उन तीनों का मिक्सचर, ना वो वॉयलेट होता है ना इंडिगो होता है ना वो नो दूसरा ब्लू. उसी उस कलर को जो कलर मिक्सचर बनता है उसको स्काई ब्लू कलर इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो कलर जो है वो वॉयलेट से भी डिफरेंट होता है, इंडिगो से भी, और जो ब्लू कलर विबग्योर में उससे भी डिफरेंट होता है. विबग्योर वाला जो ब्लू कलर है वो ये वाला कलर होता है, ये वाला ब्लू. पर वो जो स्काई का कलर दिखता है वो कोहिनूर वाला दिखता है वो, है ना? तो वो तीनों कलर्स का मिक्सचर होता है, या ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं पुलकित का जैसे, है ना? तो स्काई भी तो इतना बड़ा है, ये भी तो देखो. वो जब ऐसे एक्सटेंड होते हैं कलर फैलाओ, जब आप पेंटिंग करते हो तो व्हाइट शीट के ऊपर जब आप पेंटिंग कलर्स को स्प्रेड करते जाओ, उसमें पानी डालते जाओ, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो वो लाइट ही होता जाता है ना, तो स्काई ब्लू कलर बन जाता है. ठीक है. हाँ जी, और कोई डाउट आपका?